नमस्कार, हमारे चैनल ऑप्टिमम हेल्थ एंड लाइफस्टाइल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मोटापे से परेशान लोग अक्सर दूसरों की सुडोल और छरहरी काया यानी कि स्लिम बॉडी की ओर आकर्षित होते हैं और उनके मन की भी ये चाह रहती है कि काश मेरा भी शरीर ऐसा ही होता। इसी चाहत की वजह से बहुत सारे लोग पतला होने और मोटापा कम करने के लिए अक्सर डाइटिंग भी करते हैं और ये सोचकर भूखे रहते हैं कि डाइटिंग करने से उनका मोटापा जो है वो कम हो जाएगा और वो पतला दिखने लग जाएंगे। पर पतला होने का ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है दोस्तों, क्योंकि जैसे ही आप डाइट अपना करना बंद करेंगे तो वेट आपका दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाएगा। बाहर निकले पेट को अंदर करने के लिए जरूरी है कि सही तरीके से वेट लॉस डाइटिंग प्लान अपनाएं और साथ में एक्सरसाइज और योगा भी करें। पर कुछ लोगों की जीवन शैली इतनी ज्यादा व्यस्त होती है कि वह चाहकर भी डाइट चार्ट को फॉलो नहीं कर पाते और ना ही एक्सरसाइज का समय निकाल पाते हैं। तो अब सबसे ज्यादा जरूरी बात जानने वाली ये है कि एक व्यक्ति बिना डाइट और एक्सरसाइज के कैसे अपना वजन कम कर सकता है। तो आज की वीडियो में हम बहुत ही ज्यादा असरदार टिप्स और घरेलू उपचार के बारे में जानेंगे जिनकी मदद से आप पतले हो सकते हैं बिना किसी डाइटिंग और एक्सरसाइज के भी। तो आइए जल्दी से जानते हैं कि क्या हैं ये टिप्स और उपाय। अक्सर कुछ लोग डाइटिंग करने के चक्कर में सुबह का नाश्ता करना भी छोड़ देते हैं और उन्हें लगता है नाश्ता ना करना कैलोरी बर्न करने का अच्छा तरीका है, पर बाद में जब दिन में उन्हें भूख लगती है तो वह कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। और आप भी ये पाएंगे कि ज्यादातर ऐसे खानों में किसी भी प्रकार के पोषक तत्व नहीं पाए जाते और इनमें कैलोरीज भी बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, जिससे कि वेट लॉस करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है और साथ में शरीर में कमजोरी आने लगती है, जिससे कि आपका काम में ध्यान भी नहीं लग पाता। तो इसीलिए अपना वजन कम करने और पेट को अंदर करने के लिए और साथ में दिन भर में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए सुबह का नाश्ता करना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास समय कम रहता है तो आप दिन में सुबह ब्राउन ब्रेड सैंडविच बनाकर खा सकते हैं। दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि पेट अंदर करने के लिए आप भोजन से 30 मिनट पहले पानी पीजिए। बहुत सारी क्लिनिकल स्टडीज में प्रूव हो चुका है कि जब भी एक व्यक्ति खाना खाने से 30 मिनट पहले गुनगुना पानी पीता है तो इससे खाना पचाने का जो उसका मेटाबॉलिक रेट है वो बढ़ जाता है, जिससे कि खाना अच्छे से पच पाता है और उसके वेट लॉस की प्रक्रिया भी तेज हो जाती है। तीसरा काम आपको ये करना है कि आप खाने को ज्यादा चबाकर खाएं। अक्सर इस तेज रफ्तार जीवन में हम हर काम जल्दी से खत्म करना चाहते हैं और यही सेम चीज हम खाना खाते वक्त भी करते हैं। खाने को अगर सही तरीके से चबाकर अगर ना खाया जाए तो ऐसा करने से हमारे डाइजेशन के ऊपर लोड पड़ता है, जिससे कि हमारा भार भी बढ़ता है। तो इसीलिए एक व्यक्ति को खाना अच्छे से चबाकर खाना चाहिए। इसके दो फायदे मिलते हैं, एक तो एक व्यक्ति को जल्दी पेट भरे होने का एहसास होता है और दूसरा अच्छे से चबाया गया खाना जल्दी से पचता भी है। चौथा काम आपको ये करना है कि अपने खाने में सलाद की मात्रा ज्यादा रखें। सलाद के अंदर भरपूर मात्रा में फाइबर होता है जो कि हमारे दिन भर की कैलोरीज को मेंटेन और कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। पांचवा काम आपको ये करना है कि दिन में ब्लैक टी की जगह ग्रीन टी पीजिए। ग्रीन टी के अंदर एक कंपोनेंट होता है जिसका नाम होता है ईजीसीजी। एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो कि हमारे शरीर में जमा हुई चर्बी को पिघलाकर बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट में लाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। सातवां काम आपको ये करना है कि जब भी आप रोटी खाएं तो वो मल्टीग्रेन आटे की रोटी खाएं। आइए अब वजन और चर्बी कम करने के लिए कुछ घरेलू उपचार जान लेते हैं। तो पहला उपचार आपको ये करना है कि अपने दिन की शुरुआत एक गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू और एक चम्मच शहद मिलाकर करें। बहुत सारी क्लिनिकल स्टडीज में इस नुस्खे को वजन कम करने के लिए बहुत अच्छा माना गया है। दूसरा उपाय आपको ये करना है कि हफ्ते में 3 बार एप्पल साइडर विनेगर को पिएं। एप्पल साइडर विनेगर यानी कि सेब के सिरके के अंदर भरपूर मात्रा में एसिटिक एसिड पाया जाता है। एसिटिक एसिड हमारे शरीर में चर्बी को पिघलाने में मदद करता है। इसके अलावा ये हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी कम करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। और तीसरा बहुत ही ज्यादा प्रूवन उपाय आप ये कर सकते हैं कि रोजाना आप अजवाइन वाला पानी पी सकते हैं। इस पानी को बनाने के लिए 1 चम्मच अजवाइन को 1 गिलास पानी में मिलाकर रात भर के लिए छोड़ दें और सुबह अजवाइन को छानकर बचे हुए पानी को पी लें। इस उपाय को नियमित रूप से करने से पेट की चर्बी घटाने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। तो दोस्तों, ये हैं वो कुछ असरदार टिप्स और उपाय जिनका कि एक व्यक्ति अगर रोजाना इनका पालन करेगा तो बिना एक्सरसाइज और डाइट के भी उसका वजन और चर्बी कम हो सकती है।
मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो कमेंट बॉक्स के जरिए आप उन्हें मुझसे पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो तो जरूर शेयर करें ताकि उन तक भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आप तक और भी ज्यादा इंटरेक्टिव एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आती रहें। तो अपनी सेहत का ध्यान रखिए, हम फिर मिलेंगे। टेक केयर, गुड बाय।